लेज टाइम। देशवासियों और सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, हम सब पूर्व सैनिक जंतर मंतर से आज हम दो इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। एक तो फुल ओआरओपी को लागू करवाने के बारे में, और दूसरा कल जो हमारा डिफेंस बजट अनाउंस हुआ है, एक पूर्व सैनिक होने के नाते उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम वन रैंक वन पेंशन की बात करते हैं। देशवासियों और सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, आप सबको मालूम है कि सरकार ने अभी तक फुल ओआरओपी, असली वाली ओआरओपी जिसका वायदा किया था, लागू नहीं करी है। प्रधानमंत्री जी और जो बीजेपी के प्रेसिडेंट नड्डा जी और कुछ सरकार के और जो नुमाइंदे हैं, वो पूरे देश भर में सभी को ये कह रहे हैं कि उन्होंने वन रैंक वन पेंशन दे दिया है। देशवासियों और सैनिक परिवार के सभी सदस्यों, हम यहाँ यंत्र मंत्र से फिर एक बार आप सबको ये कहते हैं कि सरकार ने असली वाली वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं करी है। हम सरकार से कई बार गुजारिश किया, चिट्ठियां लिख के रक्षा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को भी बताया कि अगर आपने वन रैंक वन पेंशन दे दिया है तो हमें बताइए कि क्या ये वन रैंक वन पेंशन है। हमने आपको बताया कि ये वन रैंक वन पेंशन नहीं है। हमारा सिपाही एक 17 साल की नौकरी के बाद जो घर आता है, उसको आज 5,000 रुपया का नुकसान है। उसके बदौलत कि जो आज रिटायर हुआ है और जो 1 जुलाई 2014 से पहले वाले रिटायर हैं, यही कमी जो है वो जवान से लेकर हवलदार तक इतनी कमी है जो पिछले वाले रिटायरी हैं। जो ऑफिसर साहबान हैं उनका 10,000 का फर्क है जो आज वालों को ज्यादा मिल रहा है, और जो 1 जुलाई 2014 से पहले रिटायर हैं उनको एवरेज 10,000 रुपया कम मिल रहा है। जेसीओ साहबान के बारे में पता नहीं सरकार ने क्या नीति बनाई कि जो वन रैंक वन पेंशन वाले जेसीओ साहबान हैं, कहने का मतलब 1 जुलाई 2014 से पहले रिटायरी और आज के रिटायरी को 6,000 रुपया कम दे रहे हैं। ऐसा कोई असूल पेमेंट में और पेंशन में पहली बार देखने को आया है। समय बीतने के बाद पे और पेंशन बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं सरकार की इस पॉलिसी में छानबीन करने की जरूरत है, इसको करेक्ट किया जाए और आज वाले रिटायरों को ज्यादा और पहले वाले रिटायरों को कम, जो अभी तक का दस्तूर बना हुआ है वो होना चाहिए। ये भी आप सबको बताना चाहता हूं, क्योंकि सरकार ने अभी तक वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं किया था। हमने 10 जून 2016 से सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है और उसकी हेयरिंग तारीख पे तारीख बदली होने लगी। हमारी एक जो 1 मई 2019 को अदालत बैठी, अदालत ने हुक्म दिए डिफेंस मिनिस्ट्री को कि आप जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं जो उन्होंने देखी, सरकार को बोला कि इनको रिजॉल्व करें। और अगली हेयरिंग जो 6 अगस्त को होनी थी पोस्टपोन होती रही, फिर 4 दिसंबर को ये हेयरिंग हुई। 4 दिसंबर को
सरकार ने और टाइम मांगा, 2 हफ्ते का टाइम दिया गया और अगली हेयरिंग जो 13 जनवरी को होनी थी वो भी पोस्टपोन होकर 31 जनवरी हो गई। और फिर 31 जनवरी से 2 दिन पहले हमें पता लगा कि डेट फिर बदली होकर 10 फरवरी को हो गई है। अभी सभी को सूचित किया जाता है कि वन रैंक वन पेंशन की अगली जो अदालत बैठेगी वो 10 फरवरी को होगी। हम उम्मीद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगली डेट अगली बदली ना हो और हमारा ये अदालत बैठे। सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले अपना एफिडेविट के ऊपर 1 मई के जो ऑर्डर दिए थे उसका जवाब दिया है। हमने उस एफिडेविट को पढ़ा है और सरकार ने ऐसे एफिडेविट में बताया है जो दुरुस्त नहीं है, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है और गलत इन्फॉर्मेशन भी है। हम पूर्ण रूप से तैयार हैं उस एफिडेविट का छानबीन करके अदालत को बताने के लिए। साथियों, आप सब पूरे देश भर में इस मूवमेंट के साथ जो असली वाली वन रैंक वन पेंशन को लागू कराने के लिए 15 जून 2015 से लगातार शुरू हुई वो अभी भी जारी है और हमने ये प्रतिज्ञा करी हुई है कि जारी रहेगी जब तक असली वाली वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं हो जाती। आप सब पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ हमारे सैनिक परिवार हैं सब मिलकर अपने अपने एरिया में इस इंफॉर्मेशन को फैलाओ और सबको बताओ कि इकट्ठे होकर जब जरूरत पड़े हम एक रैलियां करके स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज और यहाँ दिल्ली में भी हम आपको ब्यौरा दे देंगे। 10 फरवरी के बाद अगर अदालत बैठती है और उसका जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा और हमें वो इंसाफ सही मिलेगा कि हमें असली वाली वन रैंक वन पेंशन मिलने की जो हुक्म है वो अदालत से मिलेंगे। इस अदालत के हुक्म को देखकर हम फिर सोच विचार करेंगे आप सबसे कि एक बड़ी रैली हम दिल्ली में करें जिसमें पूरे देश भर से सैनिक आएं ताकि हम धन्यवाद रैली या फिर हम अपने मूवमेंट को जारी रखने की रैली एक करेंगे। उसका टाइम और डेट हम बाद में बता देंगे। साथियों, ये तो था वन रैंक वन पेंशन का ब्यौरा। अभी डिफेंस बजट के बारे में, पूर्व सैनिक होने के नाते हम हर तरह से नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए थे और जुड़े रहेंगे। तो जब हमने डिफेंस बजट का छानबीन किया और देखा एक जो स्ट्रेंथ सरकार की डिफेंस फोर्सेस की होनी चाहिए सरकार की तरफ से ताकि ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए ये जो टास्क या ड्यूटी है ये सर्विंग हमारे चीफ्स की है वो देख रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि वो भी इसको उसी तरह से प्रोजेक्शंस करेंगे। लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते नेशनल सिक्योरिटी का और
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए माइक के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।